बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स? आज मैं आपसे स्पेक्ट्रम का टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ। स्पेक्ट्रम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कलरफुल टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर आज हम कलर्स की बातें करने जा रहे हैं। तो इस स्टडी को, जिसमें हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको डिफरेंट इसके रीजन जिसमें वो डिस्पर्स हो रही होती है वाइट लाइट, उसके बारे में बताऊंगा। देन इसकी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, जिसमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, और इसी तरह से लाइन स्पेक्ट्रम की आगे दो टाइप्स हैं, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आज के इस लेक्चर में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्पेक्ट्रम आप देखें वो क्या है, कि हमारे पास विजुअल डिस्प्ले या डिस्पर्शन ऑफ कॉम्पोनेंट वाइट लाइट, सूरज की रोशनी हो सकती है, इनकैंडिसेंट्स हो सकती है जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, तो उनकी लाइट जब हम क्या देखते हैं कि प्रिज्म में से गुजरता है या मैटर इन बल्क, उसमें से जब वो गुजरता है तो वो फर्दर स्प्लिट अप होता है, वो डिस्पर्स होता है इनटू डिफरेंट वेरियस कलर्स। सो दिस स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली डिस्पर्शन। सो अब हम देखें, हमारे पास, मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना रखी है कि लाइट बल्ब है, वो हाइड्रोजन गैस के सैंपल में से जब पास होगी तो स्लिट में से वो एक डायरेक्शन, जिसको मोनोक्रोमैटिक कहते हैं, वो प्रिज्म में से जब गुजरेगी तो वो स्प्लिट अप हो जाती है इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वो 7 डिफरेंट कलर्स कौन से हैं, तो वो जल्दी से हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो सबसे, इसमें एक चीज आपने अपना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो बेंडिंग होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ के। ये वेवलेंथ जो मैंने लिखा है, दिस इज लैम्ब्डा। लैम्ब्डा एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। वो जो वेवलेंथ फोकल लेंथ से ऊपर जो मूव कर रहा होते हैं क्रस्ट, जो नीचे आ रहे होते हैं वो ट्रफ। तो कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट दो क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो जितनी ज्यादा जो लाइट इसमें से जो डिस्पर्स हुई, जो ज्यादा बेंट करेगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जो कम बेंट करेगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो मैं यूं भी लिख सकता हूं कि ये वेवलेंथ ऊपर की तरफ क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि बेंडिंग कम हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है। अब हमारे पास ये कौन कौन से कलर्स में ये डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले आपने ये याद रखना है वो वायलेट कलर है, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद जी ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज एंड फाइनली रेड। अब आप इन 7 कलर्स को याद करना चाहते हैं तो आप अपने माइंड में, एक चीज में लिख रहा हूं वो आप उर्दू में याद कर लें, तो सिंपली उसको आपने याद रखना है विब गाय और याद रख लें, या विब जर याद रख लें। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है, विब VIB, जर GYOR। सो विब जर या विब गायोर, ये क्या होता है, ये वो 7 कलर्स हैं जो स्प्लिट अप हो रही है वाइट लाइट, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो अब इस विब जर में आपने देखा कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, वो रेड की है। इसी तरह अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, तो जहां पे हमारे पास वेवलेंथ कम थी वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और रेड की क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो कम होगी। सो ये आपने 7 कलर्स अपने माइंड में रखनी है। अब जो हमारे पास वाइट लाइट आ रही होती है, एक्चुअली वो स्प्लिट अप हो रही होती है, वो स्पेक्ट्रम हमारे पास 8 रीजन्स में देर होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट वेवलेंथ। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास वो कौन से रीजन्स हैं। सबसे पहले आप देखें जो हमें नजर आ रहा है वो कौन सी वेवलेंथ है, 400 to 750 नैनोमीटर।
अगर आप एंगस्ट्रॉम में लेना चाहते हैं तो एक एक जीरो आप उसके साथ बढ़ा लेंगे, क्योंकि नैनोमीटर होता है 10^-9 मीटर और एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10^-10 मीटर। सो ये वैल्यूज आपकी बुक्स में गिवन है, तो सिंपली यहां पे एक एक जीरो बढ़ा देंगे तो वो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आ जाएगी। खैर, अब मैं आता हूं जो हमारे पास विजिबल रीजन है। अब ये ऐसा रीजन है जिसको हम विजिबल कहते हैं। विजिबल क्यों? जो हम नेकेड आई से, जो हम अपनी इस आंख से देख सकते हैं, वो विजिबल रीजन है। अब इसमें कौन कौन से कलर्स है? विबजर, वी आई बी जी वाई ओ एंड आर। सो ये वो रीजन है जो हमें नजर आ रहा है। कौन सी वेवलेंथ से? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। ये कम है वायलेट की, और 750 क्या है? वो ज्यादा वेवलेंथ है। सो अब हमने यहां पे क्या देखा कि हमें ये रीजन नजर आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और रीजन्स हैं जो हमारी आंख नहीं देख सकती। वो कौन से हैं? नाम आपने सुने होंगे, तो मैं वो देख लेता हूं। अब जिसकी वेवलेंथ वायलेट से भी कम हुआ करती है, भी कम होती है, हम उसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। तो वेवलेंथ आपने याद रखना है, जो वायलेट का पड़ोसी वो अल्ट्रा वायलेट। सेम इज अ केस, जिसकी वेवलेंथ रेड से ज्यादा होती है वो इंफ्रा रेड कहलाती है, IR जिसे आप कहते हैं, इंफ्रा रेड रीजन। तो अब ये तो हमारे पास हो गए वायलेट और रेड के बिहाफ पे, जिनको हमने याद रखना है। अब हम देखेंगे कि जो वायलेट के साथ में है, अब आपने यहां पे एक और चीज याद रख लेनी है, जो वायलेट के साथ होंगे वो रेज होती हैं, और जो इंफ्रा रेड के साथ होंगी वो दो वेव्स होंगी। तो ये तीन रीजन तो आपने इस तरह से याद रख लिए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वेव्स हैं जो अल्ट्रा वायलेट से जिसकी वेवलेंथ कम होती है उनको कहते हैं एक्स रेज, जिनकी एक्स रेज से भी कम होती है उनको हम गैमा रेज कहते हैं, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वो कॉस्मिक रेज होती है। इसी तरह जो इंफ्रारेड के साथ में वो कौन सी होंगी, पहले हम देख लेते हैं, वो माइक्रोवेव्स होती हैं, और सबसे लास्ट पे जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो रेडियो वेव्स होती हैं। सो हमने यहाँ पे देखा, तो ये टोटल 8 रीजन हैं जो एक स्पेक्ट्रा, जो हमारे पास व्हाइट लाइट होती है वो डिस्पर्स हो रही है इनटू 8 रीजन, जिसमें से हमारी आंख क्या देख सकती है? ओनली विजिबल रीजन। सो अब हम देख लेते हैं कि हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ का क्या रुझान रहा। तो सबसे पहले आप देखें कि जब आप इधर मूव कर रहे थे विजिबल से इस साइड पे, तो वेवलेंथ क्या हो रही थी? वेवलेंथ इंक्रीज हो रही थी। तो पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताएं वेवलेंथ और का इंक्रीज और डिक्रीजिंग का ट्रेंड, जब वो रेडियो वेव से इस तरफ आ रहा होगा तो वो क्या हो रही होगी? वेवलेंथ कम हो रही होगी, और अगर वो कॉस्मिक रे से रेडियो वेव्स की तरफ जा रहा है तो वेवलेंथ क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। इसी तरह अब हम फ्रीक्वेंसी का देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ होते हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। तो अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी का क्या होगा। तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जहां पे वेवलेंथ बढ़ रही होती है वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होती है? वो डिक्रीज हो रही होती है, और इंक्रीज किधर हो रही होती है? वो कॉस्मिक रेज की तरफ। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? कॉस्मिक रेज की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वो भी कॉस्मिक रेज की। ओके जी, ये दो चीजें हो गई। अब थर्ड हम देख लेते हैं एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी का क्या हमारे पास ट्रेंड रहता है इंक्रीज डिक्रीज का। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज इक्वल टू HV। तो जिधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी एनर्जी भी उधर ही बढ़ रही होगी। तो अब आप देखें हमारे पास इधर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी क्या होगी? वो डिक्रीज होगी। तो ये आपने याद रख लेना फ्रीक्वेंसी के साथ उसका रिलेशनशिप, और जिधर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। अगर आप लोगों को याद हो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है कि आप कहते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेज जिनकी वेवलेंथ कम और एनर्जी ज्यादा, तो देख लें अल्ट्रा वायलेट रेज की वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या है? ज्यादा। जब वो जमीन पे आती हैं स्ट्राइक करती हैं एनर्जी शिफ्ट करती हैं, जब वो बैक जा रही होती हैं तो अब वो इंफ्रारेड होती हैं। इंफ्रारेड मीन जिनकी वेवलेंथ ज्यादा और एनर्जी क्या होती है? वो डिक्रीज हो चुकी होती है। और लास्ट में हमने यहाँ पे एक और चीज भी देख लेते हैं वेव नंबर के बारे में। वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका भी एनर्जी के साथ क्या होता है? वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जिस साइड पे
अब एनर्जी डिक्रीज होगी तो वेव नंबर भी क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, और जिस साइड पे इंक्रीज होगा तो वो भी उस साइड पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो ये चार चीज़ों का ट्रेंड आपने अपने माइंड में रखना है इसके बारे में। और एक और लास्ट बात मैं इसी स्पेक्ट्रम के बारे में करता चलूँ कि यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि इनमें स्पेसेस मैंने बढ़ाई हैं, तो आपने याद रखना है, आगे चल के अभी पढ़ते भी हैं कि जैसे जैसे स्पेसेस बढ़ती हैं वेवलेंथ बढ़ रही होती है, तो स्पेसेस के बिहाफ के ऊपर भी आप वेवलेंथ को देख सकते हैं। क्योंकि वेवलेंथ एक्चुअली है क्या, वेवलेंथ हमारे पास है कि जो हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, तो जब गैप बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ भी क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो सो ये आपने जो स्पेक्ट्रम आएंगे अभी हम आगे चल के पढ़ते हैं, स्पेशली जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके दो टाइप्स इसकी होती हैं, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन का एक्चुअल जो नेम है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, उसके बिहाफ के ऊपर भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ कि लाइन क्यों कहते हैं और एटॉमिक, दोनों के नाम में ही उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब सबसे पहले देखें जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि वो हमारे पास जो कलर्स आते हैं, डिफरेंट कलर्स आते हैं, वो एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी रेनबो की, अब आप रेनबो देखें तो जो हमें सेवन कलर्स नजर आ रहे होते हैं, वायलेट, इंडिगो, अभी वायलेट कंप्लीटली खत्म नहीं होता, इंडिगो उसके अंदर से स्टार्ट हो जाता है, तो हमें उसमें कोई सेपरेशन नजर नहीं आती, कोई लाइन नजर नहीं आती। इसी तरह से ब्लू, ग्रीन, तो वो सारे कलर्स एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो डिफ्यूज होते हैं एक दूसरे के अंदर, उनके अंदर किसी किस्म की कोई करेक्टरिस्टिक लाइन्स नहीं होती। सो हमने यहां पे देखा कि नो बाउंड्री लाइन, जबकि इसमें कलर्स क्या है वो मर्ज हो चुके हैं या डिफ्यूज इन टू ईच अदर, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस का, तो आप एग्जैक्टली यही पॉइंट लिखें तो इंशाल्लाह आपको नंबर पूरे मिलेंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इन बल्क, अब आप देखें रेनबो कैसे बनती है कि बारिश होने के बाद जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के अंदर ट्रैप होते हैं, तो जब उसमें से सूरज की रोशनी गुजरती है तो वो स्पेक्ट्रम शो करते हैं, तो हमें बारिश के बाद हमेशा रेनबो नजर आया करती है। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इन बल्क, तो वो क्या, उसकी एग्जांपल है रेनबो की। जबकि लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम का पहला जो लाइन है उसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि उसमें जो कलर्स आएंगे उनके अंदर कंप्लीटली सेपरेशन होगी। जैसे सोडियम की एग्जांपल हम देते हैं, सोडियम का स्पेक्ट्रम जो आता है वो टू हमारे पास येलो लाइंस आती हैं, जो डिस्टिंक्ट लाइन से क्या होती हैं, वो सेपरेटेड होती हैं। सो इट मींस कि आपने एक और पॉइंट भी यहां पे अपने ज़हन में रखना है कि जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं और जो डिस्टेंस होता है उनके दरमियान में, वो डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ एलिमेंट के ऊपर। अगर एलिमेंट डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ लाइंस डिफरेंट हो सकती हैं, नंबर ऑफ उसमें जो डिस्टेंसेस है वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन की बात करें, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन की एग्जांपल दे भी रखी है, वो भी मैं डिस्कस करता हूं, तो उसके अंदर हमारे पास फाइव लाइन आती हैं सेपरेटेड, तो उनके अंदर डिस्टेंस भी वो डिफरेंट होता है। सो सोडियम और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिफरेंट होगा, लेकिन अभी हमने यहां पे क्या सीखा कि देयर आर डिस्टिंक्ट लाइंस बिटवीन द कलर्स, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। सो बाउंड्रीज आर विजिबल, डिस्टिंक्ट कलर लाइन सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस, उसमें स्पेसेस उसमें बकायदा तौर पे लाइंस होंगी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम ओनली, कि इसको एटॉमिक भी हम स्पेक्ट्रम कहते हैं कि ये सिर्फ एटम की प्रॉपर्टी है। रदरफोर्ड का डिफेक्ट यही था, रदरफोर्ड कहता था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो कॉन्टिन्यूसली एमिटिंग करने की वजह से उसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हमने अब देखा तो वो तो लाइन स्पेक्ट्रम है। क्यों? क्योंकि एटम की स्टडी कर रहा था, और एटम जो स्पेक्ट्रम देता है वो लाइन, और इसी वजह से उसका दूसरा नाम क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सो दीज आर, इसमें मैंने अभी सोडियम और हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, तो डिस्टिंक्ट लाइन से वो सेपरेटेड होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड द लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास इसी एटॉमिक स्पेक्ट्रम की मजीद दो टाइप्स हैं, एक को हम एमिशन कहते हैं और एक को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैंने यहां पे दो एटम्स बनाए हैं, आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। अब इसके अंदर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल है, आपने याद रखना है न्यूक्लियस के जितना इलेक्ट्रॉन नजदीक होता है वो लोअर होता है, जैसे जैसे दूर जा रहा होता है एनर्जी बढ़ रही होती है। अब जब ये ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा
तो ये जंप करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। एक्साइटेड स्टेट में चला गया, लोअर से हायर स्टेट में चला गया, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। अब जब यहां पे एनर्जी लिख लेते हैं, अब जब यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो हायर से लोअर में वापस आएगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इसीलिए हम इसको एमिशन स्पेक्ट्रम, और ये क्या होता है, डी एक्साइटेशन। डी का मतलब पता है आप लोगों को, नेगेटिव सेंस में यूज होता है कि ये डी एक्साइट हुआ कि फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट आया। तो अब उसी बिहाफ के ऊपर हमने एमिशन और एब्जॉर्प्शन, अब इनमें फर्क देख लेते हैं। एमिशन में क्या होता है कि जो लाइंस नजर आती हैं वो ब्राइट होती हैं, और बैकग्राउंड क्या होता है, डार्क। आप देख लें पीछे बैकग्राउंड डार्क नजर है, ऊपर लाइन जो है वो ब्राइट है। अब क्यों ब्राइट है, अब वो सेम एटम है, देखें दोनों स्पेक्ट्रम सेम है। इसमें देखें एब्जॉर्प्शन में डार्क लाइंस हैं और ब्राइट बैकग्राउंड है, वजह कि जिस वेवलेंथ पे वो क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था, तो वहीं पे जब वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है तो लाइन क्या आ जाती है, डार्क। बट इन द सेम केस एमिशन में क्या हो रहा है कि वो एमिट कर रहा होता है तो वो लाइट की फॉर्म, इसलिए वो ब्राइट लाइन आती है। सो दिस इज वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट दिस। देन सब्सटेंस किस हालत में हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट में, आप देख लें एक्साइटेड स्टेट में, गैशियस में या वेपर स्टेट में हो सकता है, तो तभी एमिशन स्पेक्ट्रम आएगा। जबकि इसमें अपोजिट होगा अनएक्साइटेड, कि जो एक्साइट नहीं हुआ होगा तो वो क्या देगा, डी एक्साइटेशन होगी तो या नीचे आ जाएगा। तो अनएक्साइटेड स्टेट में हो, गैस में हो, लिक्विड में हो या सॉलिड स्टेट में हो, तो वो कौन सा स्पेक्ट्रम देगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देगा। इसी तरह नेक्स्ट ओरिजिन क्या है, कि जो मैंने अभी बात की स्टार्ट में, कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, एमिशन में क्या है, हायर से लोअर आ रहा है, तो ये हमारा ओरिजिन इसका हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन का क्या है, कि वो लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जंप फ्रॉम लोअर टू द हायर एनर्जी लेवल। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का मैंने बनाया। इस तरह से हम देख लेते हैं कि जो फ्लेम टेस्ट में जो कलर इंपार्ट करते हैं, हम वो कलर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप याद रखें जो सोडियम है वो कौन सा कलर देता है, वो टू येलो लाइंस देता है, टू डिस्टिंक्ट कलर येलो। उसके बाद स्ट्रॉन्शियम जो होता है वो आपने याद रखना है, वो रेड कलर देता है। जो बेरियम है वो ग्रीन कलर देता है, और जो पोटेशियम है वो वॉयलेट कलर। ये फ्लेम टेस्ट से इनके आप मालूम कर सकते हैं, अगर देखने हो तो ये कलर करेक्टरिस्टिक्स उनके फ्लेम टेस्ट से आते हैं। अगर डिस्चार्ज ट्यूब में देखें तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो हीलियम गैस होती है वो क्या करती है, वो पिंक कलर ग्लो करता है, पिंक कलर का। और जो नियॉन होता है वो ऑरेंज रेड कलर में ग्लो करता है। सो ये आपने देख लेने कि ये किसके स्पेक्ट्रम है, ये सोडियम और हाइड्रोजन के, और इस तरह से कुछ और एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम भी हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो हाइड्रोजन की इसमें देखते हैं आप लोग, इसमें हाइड्रोजन अल्फा होता है, बीटा होता है, गैमा, सिग्मा एंड सो ऑन। तो ये पांच हमारे पास स्पेक्ट्रम होते हैं। तो आप देखें जैसे जैसे, मैंने भी यहां भी ये चीज बताई थी कि जैसे जैसे स्पेसेस कम हो रही हैं, अब आप देखें यहां स्पेसेस ज्यादा हैं तो ये इधर स्पेसेस क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो स्पेसेस जो है वो कम क्यों होती हैं, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो रही होती है, वो कम हो रही है। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्पेसेस कम हो रही हैं वैसे वैसे वेवलेंथ भी कम हो रही है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं ये कहना चाहूं कि जो स्पेसेस होती हैं, जैसे जैसे स्पेसेस बढ़ रही होती हैं वेवलेंथ भी बढ़ रही होती है, एंड वाइस वर्सा कि जैसे जैसे स्पेसेस कम होंगी तो वेवलेंथ भी कम होगी। तो चूंकि आप देखें यहां पे स्पेसेस बढ़ रही हैं, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि वेवलेंथ इधर क्या हो रही है, वो इंक्रीज कर रही है, और अगर इसका उलट आप देखेंगे तो वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। होपफुली इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपकी कवर की, इसमें इसके अंदर खास तौर पे ये जो टाइप्स के क्वेश्चन हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। बाकी ये कॉन्सेप्ट आपका एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू और आपका शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंशाल्लाह आपकी हर फील्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द होल लेक्चर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो स्पेक्ट्रम यहाँ पे खत्म हुआ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।